और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, यूपी में कोरोना कर्फ्यू को लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया को शुरू किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, 20 जिलों को कोई भी राहत नहीं दी गई है, यहां पर 600 से ज्यादा मामले हैं। लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर में कर्फ्यू लगातार जारी रहेगा। 600 से ज्यादा जहां पर मामले हैं, जिन जगहों पर हैं वहां पर राहत नहीं दी गई है, और ऐसे 20 जिले हैं जहां पर राहत नहीं दी गई है, और जहां पर 600 से कम केसेस हैं उन जिलों में राहत दी गई है। फिलहाल के लिए 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई है, 20 जिलों को राहत नहीं दी गई है। जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं उसके मुताबिक लखनऊ, कानपुर और तमाम जो 20 जगह हैं जहां पर कोरोना कर्फ्यू लगातार जारी रहेगा, राजधानी लखनऊ भी इसी के अंतर्गत आ रही है। 600 से ज्यादा जहां पर मामले हैं, जैसे कि मेरठ, लखनऊ, सहारनपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, बरेली, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, झांसी, प्रयागराज, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, जौनपुर, बागपत, मुरादाबाद, गाजीपुर, बिजनौर और देवरिया, ये 20 ऐसे जनपद हैं, जिले हैं जहां पर कोरोना का जो कर्फ्यू है वो लगातार जारी रहेगा। 1 जून से जो अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी, इनके अलावा जितने भी 75 जिलों में से 20 जिलों को छोड़कर जितने जिले बसते हैं उसमें अब कोरोना की जो गाइडलाइंस हैं उनमें कुछ राहत देने की कोशिश की गई है। तो जो 20 जनपद हैं, 20 जिले हैं, वहां पर राहत नहीं रहेगी। इसके अलावा जो हम देख पा रहे हैं 55 जो जनपद हैं वहां पर अब राहत दी जाएगी। तो कुल मिलाकर एक बड़ी राहत उन 55 जनपदों के लिए, लेकिन एक जो बड़ी बात कही गई है इन गाइडलाइंस में वो ये है कि 600 से ज्यादा मामले जहां पर हैं जहां पर 600 से ज्यादा मामले हैं वहां पर छूट नहीं दी जाएगी। और अगर कोई ऐसा जिला है जहां पर 600 से कम मामले पहले थे लेकिन अगर 600 से ज्यादा मामले वहां पर बढ़ते हैं तो वहां पर कोरोना कर्फ्यू को लागू कर दिया जाएगा। और हमारी सहयोगी अनुष्का न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनुष्का, साफ तौर से ये कहा गया है कि 600 से ज्यादा अगर मामले हुए जिन जिलों में, जिन जनपदों में, वहां पर कोरोना कर्फ्यू को दोबारा लगा दिया जाएगा अगर इस बार नहीं लगाया गया है तो। देखा जा रहा था कि अब कोरोना के केस 2000 के लगभग पहुंच चुके हैं, ऐसे में कोशिश की जा रही थी कि राज्य सरकार की तरफ से प्रदेशवासियों को राहत मिलती दिखाई गई थी, जिसके बाद आज आदेश जारी किया गया है जिस पर बताया गया है कि 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि 20 ऐसे जिले हैं जहाँ फिलहाल कोई भी राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है, बाकी के 55 जिले ऐसे हैं जहाँ पर कोरोना केस 600 से कम बताया जा रहा है, जिसके बाद अब अनलॉक की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। जी मानी, और जहां पर छूट दी गई है वहां पर क्या क्या चीजें खुलेंगी, क्या पूरी तरीके से बाजार खुले रहेंगे, दुकानें कितनी खुलेंगी, क्या उसके लिए जानकारी सामने आ पाई है? जी हिमांशु, हम आपको साफ तौर पर बता दें कि 55 जिले ऐसे हैं जहां पर अब अनलॉक की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। 1 जून से ये प्रक्रिया लागू की जाएगी, जिसमें सबसे पहले बाजारों को खोलने की बात की गई। आपको बता दें कि फिलहाल यूपी में नाइट कर्फ्यू नहीं हटाया गया है, साथ ही साथ साप्ताहिक बंदी को भी नहीं हटाया गया है। आपको बता दें कि 5 दिन के लिए साप्ताहिक बाजार खोले जाएंगे, जिसके बाद शनिवार और रविवार को पूरी तरह से बाजारों को बंद रखने की बात कही गई है। वहीं अगर बात करें संस्थानों की, तो शिक्षण संस्थानों को फिलहाल नहीं खोला जाएगा, वहीं सिनेमा हॉल, मॉल और रेस्टोरेंट को खोलने की भी अनुमति नहीं दी गई है। साथ ही आपको बता दें कि सरकारी संस्थान और जो निजी दफ्तर थे उसमें कर्मचारियों को आने की अनुमति प्रदान कर दी गई है, साथ ही इसमें 50% कर्मचारी ही अस्पताल पहुंच पाएंगे। और जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं उनके लिए क्या निर्देश दिए गए हैं, मान लीजिए वो ऑफिस जा रहे हैं या फिर किसी जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं, तो फिर क्या उनके ऊपर उनको कोई पास जारी किया जाएगा बाहर निकलने के लिए जिन 20 जिलों में फिलहाल के लिए कर्फ्यू लागू रहेगा वहां पर? फिलहाल जिन 20 जिलों में अभी कर्फ्यू लागू है वहां पर जिस प्रकार से पहले नियम बनाए गए थे वही नियम अभी भी लागू रहेंगे। किसी भी व्यक्ति को बाहर निकलने के लिए पास की जरूरत होगी। साथ ही आपको बता दें कि अभी भी चालान की प्रक्रिया जारी रहेगी, पुलिस उसी प्रकार से सख्ती बनाए रखेगी, साथ ही जो व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए जाएंगे उन पर कार्यवाही जारी रहेगी।
बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर सख्ती लगातार जारी रहेगी। अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क लगाकर निकलिए, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए। अगर आप लखनऊ सरी के 20 जिलों में आते हैं जहां पर कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया, तो आपके लिए छूट नहीं है फिलहाल के लिए। लेकिन हमारी और आपकी सजगता के चलते अगर केसेस कम हुए कल को या फिर आगे आने वाले दिनों में, तो यहां पर भी छूट मिल सकती है। यानी कि अब आम इंसान, आम जनता के हाथ में है कि वो चाहे तो पूरी सावधानी बरते और केसेस जब कम हो जाएंगे तो यहां पर से भी कर्फ्यू हटा लिया जाएगा। लेकिन अगर केसेस बढ़ते हैं तो उसका खामियाजा साफ तौर से जनपदों के जो रहवासी हैं, रहने वाली है, जो आम जनता है, उसको भुगतना पड़ेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।